अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और एक और नए जॉब में आप लोगों को खुशामदीद। तो अच्छा, जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मतलब अक्टूबर ख़त्म है और नवंबर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा हमारी स्किन भी थोड़ी अजीब सी हो जाती है, तो मतलब सूखी सूखी ड्राई ड्राई सी हो जाती है। तो मैं उसके लिए बाजार की इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि मैं सर्दियों की क्रीम खुद ही बनाती हूँ। और मैं वो क्रीम कैसे बनाती हूँ, किन किन चीज़ों से बनाती हूँ, और घर की वो क्रीम होती है तो जाहिर है उसमें कोई मैं केमिकल नहीं मिलाती हूँ। जो भी चीज़ें मिलाती हूँ तो जो हमारे पास घर में है वो ही चीज़ें मिलाती हूँ। तो आज मैं अपने लिए बनाने जा रही थी, क्योंकि अब जो है मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है, क्योंकि मेरी होने लगती है स्किन ड्राई, तो मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए अपनी स्किन में। तो इसके लिए मैं बना रही थी अपने लिए सर्दियों की क्रीम, क्योंकि तो मुझे लगा नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो इसके लिए मैं क्रीम बनाने जा रही थी, मैंने कहा उससे पहले तो से बात करके और आप लोगों के साथ में उसकी जो बनाने का तरीका है वो मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को भी मतलब बाजार की क्रीम बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है तो आप घर पे बना सकती हैं, और बहुत ही अच्छी बहुत इफेक्टिव क्रीम होती है। मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बाकी आप लोगों का पता नहीं कि कोई सबको सूट करने की बात है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी को सूट ना करे, वो सभी को सूट करती है। तो आइए चलते हैं, फिर हम इसे बना लेते हैं, देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमें चाहिए खाली कटोरी, ये है मेरे पास विटामिन ई के 2 कैप्सूल, ये रहा गुलाब जल, ये है ग्लिसरीन, और ये रहा एलोवेरा जेल। कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम 1 स्पून। जितनी आपको क्रीम बनानी है उतना ही आप इसको इस्तेमाल करें। मैं अभी थोड़ी बना रही हूँ, और ये मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है। 1 चम्मच हम डालेंगे गुलाब जल। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें ग्लिसरीन। और डालेंगे हम 2 कैप्सूल। जितनी आपको क्रीम बनानी है आप उसी हिसाब से चीज़ें लीजिएगा। मतलब अगर आपने 3 चम्मच लिया है तो ग्लिसरीन अगर आप इसमें ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा चिपकने लगेगी। इसलिए ग्लिसरीन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, थोड़ी सी मतलब आधा चम्मच, या फिर अगर 4 चम्मच आप ले रहे हैं तो 1 चम्मच ग्लिसरीन इसमें जाए। तो अब इन सब चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये क्रीम की फॉर्म में हो जाएगी। अच्छे तरीके से इसको जो है मिक्स कर लीजिएगा, और ये इस तरीके से क्रीम की शेप में आ जाए। क्रीम मेरे पास ये खाली बोतल है। उससे पहले कि मैं इसको इस बोतल में करूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको लगा। ये क्रीम तो हमारी बनके तैयार हो गई, और ये इतनी क्रीमी है वो आप लोगों को भी दिख रहा है। और इसमें कोई भी चीज़ मैंने इस पे कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड नहीं की है। जो भी चीज़ें आपके साथ में सामने जो डाली हैं वही चीज़ें हैं। और अगर आपको बादाम का तेल सूट करता है तो आप इसमें बादाम का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 ड्रॉप जो है वो इसमें डाल लीजिए, और उससे भी जो है जिनकी ज़्यादा स्किन ड्राई रहती है उनके लिए तो वो उनको मतलब काफ़ी अच्छा इससे मॉइस्चर मिलेगा। वैसे तो ये ऐसे भी ठीक है, मैं आपको लगा के बताती हूँ। अब
आप जब मेकअप करते हैं ना तो आपको प्राइमर की जरूरत होती है, तो मेकअप करने से पहले कि अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग करने के लिए या थोड़ा सा क्रीमी सा लुक देने के लिए आप इस क्रीम का एज अ प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हाथों पे इसको रख दिया, तेज झिझक होके आप इसे अपने मुंह पे, हाथों पे, पैरों पे, सब जगह लगा सकते हैं। और रात को लगा के आप इसको सो भी सकते हैं, आप रात को लगा के इसे सो जाइए, तब भी आपको बहुत अच्छा सा इसका रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो ये क्रीम बहुत सूट करती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये क्रीम अच्छी लगती है। और देखिए, शाइनिंग करना शुरू कर दिया इसने, और बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन अगर आप इसमें डालेंगे तो भी ये चिपकने लगेगी, और अगर बहुत ज़्यादा इसमें बादाम का तेल भी डाल देंगे तो भी ये चिपचिपा सा हो जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें जो है वो मतलब हिसाब से डालिएगा, कि अगर 3 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लिया है तो उसमें आप एक या उससे कम चम्मच ही ग्लिसरीन डालिएगा, और 1 चम्मच जो है वो गुलाब जल डालिएगा, और 2 विटामिन ई के कैप्सूल तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे। तो अब मेरे पास ये है बॉटल जिसको मैं रखती हूँ, तो मैं इसमें ये हमारी हो गई एकदम तैयार। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा बनाने के बाद कि ये आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। या कभी कभी होता है कि किसी से क्रीम ठीक नहीं भी बनती है, क्योंकि सबको अंदाज नहीं होता है, लेकिन मुझे ये क्रीम बनाते बनाते इतना अंदाज हो गया है कि हाँ, ये क्रीम मैं बना सकती हूँ। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं तक खत्म, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।